नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। आज कुछ प्रश्न खड़े करता हूँ कि दुनिया का जो स्तर आज का है, इतनी सुख सुविधा, संपन्नता, टेक्नोलॉजी, क्या यह स्तर भगवान शुरू से नहीं दे सकते थे? उन्होंने आदि काल से क्यों शुरू किया? आदि मानव से शुरुआत हुई और आज इस स्तर तक पहुंची। आखिर कुदरत का, प्रकृति का लक्ष्य क्या है, क्या चाहती है प्रकृति? ये ऐसे प्रश्न है जिस जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर वर्षों से, सदियों से लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन साथ में एक सत्य और भी है। सत्य है कि भगवान ने हमें बेहतरीन जीवन दिया है, इस बेहतरीन काल में जन्म दिया है, हमें सोचने समझने की बुद्धि दी है, सभी से उत्कर्ष शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, सभी कुछ दिया है। और सच्चाई यह भी है कि आज दुनिया इस स्तर पे जब पहुंची है तो उसके लिए उत्साही और जिन लोगों ने दुनिया को बदलने के लिए लक्ष्य रखे या अपनी जिंदगी को बदलने के लिए लक्ष्य रखे, उनकी वजह से आज यहां तक पहुंची। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है, हम जिंदा हैं इस बात का सबूत क्या है, हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, हमने कौन से लक्ष्य रखे, क्या हमारे पास कोई प्लान है, अपने पर्सनल प्लान, अपने कैरियर को लेकर प्लान, अपने मानसिक परिस्थिति को लेकर प्लान, स्पिरिचुअल, फिजिकल, फैमिली, सोशल, सभी के लिए हमने कोई लक्ष्य बनाया है इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए? हाँ, नहीं बनाए हैं तो बनाओ। हमारी लाइफ के लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारा रोल जिम्मेदार है, हमारे एक्शंस जिम्मेदार हैं, हमारे ज्ञान जिम्मेदार है, हमारी टीम जिम्मेदार है, हमारे निर्णय जिम्मेदार है, हमारे शब्द जिम्मेदार है। जीवन रेत की घड़ी की तरह है, पल पल बहती जा रही है। ये याद रखो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। कहानी बनाओ, खुश रहो, तरक्की करो।